आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट की बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपके यहाँ पे एयरपोर्ट में सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है। बहुत ईजिली सिलेक्शन इस बार मिल रही है, फीमेल की अलग वैकेंसीज है, मेल की अलग है, हर चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ, जहाँ पे जो वैकेंसीज है ऑल इंडिया के लिए आई है। आप मेल हो फीमेल हो दोनों यहाँ एलिजिबल है, दोनों अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पोस्ट वाइज सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से हर एक अपडेट लेकर आती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा अपडेट है जहाँ पे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपने इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत से अपडेट लेकर आती हूँ, तो आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत, अगेन आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि डायरेक्ट आ चुकी है एयरपोर्ट की तरफ से, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्योंकि वैकेंसी इस बार हर पोस्ट वाइज आई हुई है, हर एक चीज को डिटेल में वन बाय वन यहां कवर करेंगे। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, जिसके लिए हमारी जो ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट ही होगा आपको अगर हमारी ऑफिशियल साइट को सीधा गूगल पे टाइप करें, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है। इसके अलावा इस मंथ की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट अभी बना दी है, चेक करके आप अप्लाई कर लेना। फिलहाल बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की बिल्कुल फ्रेश जॉब अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हर चीज को डिटेल में कवर करते जाएंगे। वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखना है। बाकी वीडियो को प्यार सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, ताकि कोई भी अपडेट आपके हाथ से मिस ना हो। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, देखिए एक तो पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसीज आ गई हैं, इसी के साथ साथ रेलवे की, ये दोनों वीडियोज आपको इसके बाद इवनिंग में मिलेंगी हमारे सेकंड वाले चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में इस तरीके से टाइप कर लेना मीत शर्मा, ये चैनल आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल बात करें एयरपोर्ट की नई जॉब वैकेंसी के लिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएट IT डिप्लोमा, एनीवन कैन अप्लाई, इवन पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी। आप इंडियन सिटीजन कैंडिडेट है, आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, फिर चाहे फीमेल है चाहे मेल है, हर कोई आप में से अप्लाई यहाँ कर सकता है। इन वैकेंसीज में यहाँ पे बात करें कौन कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपके कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसके लिए आपकी 22,412 सैलरी है। इसी के साथ साथ सीनियर कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की है, जिसके लिए अराउंड आपकी 32,000 सैलरी है। उसके बाद सुपरवाइजर की पोजीशन की वैकेंसीज हैं, हाउसकीपिंग के लिए वैकेंसीज भी इस बार आई हुई है। ठीक है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई है, लोडर की पोजीशन के लिए वैकेंसीज हैं, और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज, जो कि 10th पास की अलग है, 12th की अलग है, 10th प्लस ITI की अलग है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इनकी अलग वैकेंसीज है। ठीक है, हर कोई आप में से यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, हर कोई आप में से अप्लाई यहाँ कर सकता है। आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, और यहाँ कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन है। मैंने बताया था ना, इजीली सिलेक्शन हो रही है, सारी चीज़ें आपको मैं बाद में समझा दूंगी कैसे कैसे आपकी यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप यहाँ इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम, सबसे पहले आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। इसके अलावा कोई हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो दीजिए आप, आधार कार्ड। ठीक है, ITI वालों को ITI सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बाकी किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है वो आपको चाहिए होगा। एज आपकी 18 प्लस से आप अप्लाई करें, मैक्सिमम 28। अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो OBC को 3 साल का मिल सकता है, SST को 5 साल का, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का, PWD रिजर्व के लिए 13 या 15 साल तक का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होनी है, तो ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों। सबसे पहले एक ही नोटिफिकेशन PDF यहाँ आपको मिल जाती है,
यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होगा, उसी के साथ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना, अच्छे तरीके से फिल कर देना ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा, जो हाउ टू अप्लाई सेक्शन में नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा भी हुआ है ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद आपको इन्वाइट में डाल के इनके एड्रेस पे भेजना है। उसके बाद ठीक है आपके यहाँ शॉर्टेस्ट ही कैंडिडेट जो है उनको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आप सीधा वेन्यू पे इंटरव्यू पे भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपका कोई एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू बेस्ड आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है ठीक है। आपका कोई भी क्वेरी है, चाहे एयरपोर्ट की वैकेंसीज हो, किसी अदर डिपार्टमेंट की हो, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होती है, आप कमेंट जरूर करा कीजिए, हमारी टीम बैठी है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। आप में से कौन कौन से कैंडिडेट है जो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अपने शेयर भी जरूर करना है। हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे हर एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे।